आज हम आपके लिए सावन स्पेशल खीर की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप चावल लिए थे, नॉर्मल वाले चावल हैं, और इसको मैंने लगभग 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब यहाँ पर पैन में हमें थोड़ा सा घी गर्म करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, नारियल, चिरौंजी और साथ में किशमिश और थोड़े से मखाने लिए हैं। और इसे हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है, भून लेना है अच्छी से खुशबू आने तक। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करें इसमें नारियल, मखाना, किशमिश इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी गर्म करें। इसमें पानी हटाकर इसे हमें चावलों को इसमें डालकर इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें चावलों को एकदम लो फ्लेम पे जब तक ये खिले खिले ना हो जाए और अच्छी से खुशबू ना आने लगे तब तक के लिए हमें चावल को फ्राई करना है। चावल देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसमें लगभग 1 लीटर हमें दूध ऐड कर देना है। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। और अब हम इसमें 1 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया है, पानी 1 ग्लास डाल देते हैं। और इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे चावल को हमें पकने देना है। तो ये देखिए चावल अच्छी तरीके से हमारे पक चुके हैं, एकदम चावल गल चुके हैं इसमें। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स मैंने भून कर रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला दें। अब यहाँ पर मैंने लगभग 2/3 कप चीनी ऐड कर दी है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला दें। तो मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है क्योंकि अभी हमें मखाने भी पकाने हैं इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें लगभग 1/2 कप मैंने दूध और इसमें ऐड किया है। और इसे हमें लो फ्लेम पे जब तक कि मखाने हमारे पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक के लिए इसे हमें पका लेना है। और साथ में इसमें 4 से 5 कुटी हुई हमें हरी इलायची डाल देना है और साथ में 2 चम्मच मलाई डाल देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। तो हमारी बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार हो गई है। चावल देखिए इसमें पूरी तरीके से गल चुके हैं। अब मैंने लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। केवड़ा वाटर जरूर डालें और इसे हमें मिला देना है। तो हमारी बढ़िया सी खीर बनकर तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।